शिमला चुनाव में फागली वार्ड से भारतीय जनता पार्टी का लगातार चौथी जीत का रामनगर में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के तौर पर हिमाचल प्रदेश सरकार में शहरी विकास मंत्री रहे सुरेश भारद्वाज और हिमाचल बीजेपी के कोषाध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आज हमारा जो इस वार्ड से काउंसलर बने हैं आदरणीय धीमान जी, इन्होंने सहभोज का आयोजन किया है और साथ ही साथ अपने जो कार्यकर्ता जिन्होंने कि इनके लिए दिन रात मेहनत की, उन सब का आभार प्रकट करने के लिए यहाँ हम सब लोग एकत्र हुए हैं। मैं सबसे पहले तो धीमान जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और साथ ही साथ इस वार्ड की समस्त जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने यहाँ धीमान जी को अपना आशीर्वाद दिया। और साथ ही साथ यहाँ इस वार्ड की हमारे लोगों ने समस्या रखी कि जो लिंक रोड है, एम्बुलेंस रोड, उसको आगे बढ़ाया जाए, उसमें कुछ धन की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस वार्ड में एक पार्किंग के निर्माण के लिए भी धीमान जी ने डिमांड रखी है, तो उसके लिए मैंने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है ताकि जो हमारी एम्बुलेंस रोड है उसको दलोग तक उसका निर्माण हो सके। और एक जो पार्किंग है जो कि रामनगर में स्कूल ग्राउंड में, उसके निर्माण के लिए भी मैंने 2 लाख रुपए की घोषणा की है। निश्चित रूप से जिस प्रकार का विकास इस क्षेत्र में हुआ है या शिमला शहर में हुआ है, आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी यहाँ से पूर्व मंत्री रहे, विधायक रहे, निश्चित रूप से उन्होंने बहुत मेहनत की और उसका नतीजा है कि आज हर हर वार्ड में सड़कें बनी हैं, शौचालय